नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 जनवरी दिन रविवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में फसल सहायता योजना के तहत रबी 2023-24 के लिए आवेदन हुए शुरू। अब सस्ते दाम पर वाल्मीकि जंगल सफारी का ले मजा। बिहार में बन रहे देश के सबसे बड़े साइंस सिटी की जारी हुई लेटेस्ट तस्वीरें। बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर के गाने को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर किया शेयर। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आधार कार्ड को लेकर जान लें ये जरूरी बात। अब चलिए बढ़ते बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 5,696 पदों पर आए। आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2024 से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 फरवरी 2024 है। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने 10वीं पास करने के साथ ही एनसीबीटी या एससीबीटी से संबद्ध मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई किया हो। आवेदन शुल्क के रूप में उम्मीदवारों से ₹500 लिए जाएंगे। हालांकि जो उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से हैं उन्हें आवेदन शुल्क और आयु सीमा आदि में छूट मिलेंगे। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.recruitmentrrb.in पर जा सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए भी आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहीं आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसके नोटिफिकेशन को पढ़ना ना भूलें। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे राम रेखा घाट के बारे में। यह घाट बिहार के बक्सर जिले में स्थित है, जो हिंदुओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। यह घाट गंगा नदी के किनारे बसा है। दरअसल पौराणिक कथाओं के मुताबिक रामायण काल में जब श्री राम ने तारका का वध किया था, तब उन्हें स्त्री वध का पाप लगा था और उस वक्त इस पाप से मुक्ति के लिए वे इसी घाट पर पहुंचे थे। यहीं आने के बाद उन्होंने पाप से मुक्ति के लिए स्नान किया। स्नान के बाद श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग बना और फिर शिवलिंग की पूजा अर्चना की। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने कच्ची मिट्टी से शिवलिंग को बनाया था, जिसके कारण मिट्टी से बनाई गई शिवलिंग बहने लगी थी। इसके बाद श्री राम ने इसके ऊपर हाथ रखकर अपनी पूजा पूरी की। जब श्री राम ने इस शिवलिंग से हाथ हटाया तो इसकी रेखा उनके हाथों पर अंकित हो गई थी। यह शिवलिंग आज भी आपको घाट पर देखने को मिल जाएंगे। यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने का मन बना रहे हैं तो यहाँ जरूर आइए। बिहार में फसल सहायता योजना के तहत रबी 2023-24 के लिए आवेदन हुए शुरू। बिहार सरकार ने आईपीआरडी बिहार पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के आवेदन को लेकर पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए ये जानकारी सामने आई है कि इस योजना के तहत रबी 2023-24 मौसम के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो जो किसान इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, वे सहकारिता विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 20% से अधिक क्षति होने पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे, तो वहीं जिन किसानों की क्षति 20% तक होगी उन्हें ₹7,500 दिए जाएंगे। आइए आगे हम आपको बता दें कि इस योजना के लिए किसानों को कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो जो रैयत किसान है उन्हें अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व और रसीद दस्तावेज के रूप में लगेंगे। वहीं जो गैर रैयत किसान है उन्हें केवल स्व घोषणा पत्र ही देने होंगे। ये स्व घोषणा पत्र वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए। शीतलहर को लेकर स्कूल बंद करने पर केके पाठक ने जिलाधिकारियों की लगाई क्लास। अपने पद पर वापस लौटने के बाद ही केके पाठक एक बार फिर से अपनी शक्ति में वापस आ चुके हैं। दरअसल जिलाधिकारियों को स्कूल बंद करने को लेकर केके पाठक ने सख्त हिदायत दी है। बीते ही दिनों उन्होंने सभी प्रमंडल के आयुक्तों को पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्राधिकार में जहां भी शीतलहर के मद्देनजर स्कूल बंद करने का आदेश निकाला गया है उसे वापस ले। जहां तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है, इसकी अवधि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। इस समय अवधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने से पहले शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक है। बात बात पर स्कूल को बंद करने की परंपरा पर भी रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि जब सर्दी की वजह से कोई आदेश निकाला गया है तो वह पूरे जिले पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इस प्रकार के आदेश निकालते समय एक रूपता और समरूपता का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि यह कैसी शीतलहर है जो केवल विद्यार्थियों पर ही गिरती है, कोचिंग संस्थानों में नहीं, जबकि इन कोचिंग संस्थानों में हमारे ही विद्यालय के बच्चे पढ़ने जाते हैं। बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर के गाने को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर किया शेयर। बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर पूरे देश में अपने मधुर आवाज के लिए जानी जाती हैं। अब मैथिली ठाकुर के एक भजन के पीएम मोदी भी मुरीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री को मैथिली का यह गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर मैथिली के इस भजन को भी शेयर किया है और जमकर प्रशंसा भी की है। उन्होंने इस भजन को शेयर करते हुए लिखा है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अवसर देश भर में मेरे परिवार के सदस्यों को भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से जुड़ी हर घटना की याद दिला रहा है।
ऐसे में एक भावनात्मक घटना सबरी से जुड़ी है। सुनिए मैथिली ठाकुर जी ने इससे कैसे पिरोया है उसकी मधुर धुने। बता दें कि बिहार के मिथिला की रहने वाली बेटी हिंदी के अलावे भोजपुरी और मैथिली जैसी कई लोकल भाषाओं में गाने और भजन गाती हैं। पीएम मोदी ने मैथिली के जो गाने शेयर किए हैं उसमें मैथिली भगवान राम के प्रति सबरी के प्यार को दिखा रही हैं। गाने के बोल हैं, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन के लिए विभाग ने मांगे आवेदन। कक्षा 6 में इस वर्ष 1560 छात्राओं के नामांकन अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय प्लस 2 उच्च विद्यालयों में होने वाले हैं। बता दें कि ये विद्यालय बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित हो रहे हैं। छात्राओं से विभाग द्वारा इसके लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। बता दें कि जो 11 आवासीय विद्यालय पहले से ही प्रदेश में संचालित हो रहे हैं उन स्कूलों में कक्षा 6 के लिए इन छात्राओं का नामांकन 480 सीटों पर होगा। इसके अलावा जो नए 27 आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं उनमें 280 सीटों पर ये नामांकन लिए जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 9वीं की कक्षा के लिए भी अलग से नामांकन लिया जाना है, जिसके लिए 280 सीटों पर नामांकन के लिए यह नामांकन होना है। बता दें कि इन विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और इसकी आखिरी तारीख 15 फरवरी तक ही है। इन विद्यालयों में नामांकन और परीक्षा शुल्क के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसमें नामांकन के लिए परीक्षा 2 मार्च को होगी और प्रवेश पत्र 27 से 29 फरवरी के बीच जारी किया जाएगा। वहीं परीक्षा का रिजल्ट 11 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा और स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया 13 से 23 मार्च तक चलेगी व नए सत्र से यानी 1 अप्रैल से नामांकित किए गए बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म आज के दिन वर्ष 1986 में हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म अभिनेता, डांसर, टेलीविजन व्यक्तित्व, एक उद्यमी और एक परोपकारी व्यक्ति थे। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 2008 में टेलीविजन धारावाहिक इस देश में है मेरा दिल से की थी। इसके बाद उन्होंने जी टीवी के लोकप्रिय शो पवित्र रिश्ता में भी शानदार प्रदर्शन किया। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में काइपो चे से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला। सुशांत सिंह राजपूत ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक पर आधारित फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में मुख्य भूमिका भी निभाई थी। बाद में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला था। अभिनय के अलावा युवा छात्रों की मदद करने के प्रयासों के तहत सुशांत चार एजुकेशन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल थे। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत दुनिया को अलविदा कह गए। आज है सीटेट की परीक्षा। केंद्रों पर जाने से पहले परीक्षार्थी इन बातों का रखे ध्यान। आज देश के 135 शहरों में सीटेट की परीक्षा आयोजित होने वाली है। यह परीक्षा पूरे 20 भाषाओं में होगी। परीक्षा के दौरान पारदर्शिता से लेकर कदाचार और सुरक्षा जैसी बातों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। बता दें कि यह परीक्षा CBSE द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। परीक्षा को लेकर बोर्ड द्वारा कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और नीला व काला बॉल पेन लाना अनिवार्य है। सीटेट पेपर 2 के इस परीक्षा का आयोजन सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगा और वहीं पेपर 1 की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा 2.5 घंटे तक चलने वाला है। चाहे तो अभ्यर्थी ओरिजिनल एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और पेन के अलावे आधा लीटर पानी किसी पारदर्शी बोतल में ले जा सकते हैं। आईडी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं। अब इतने सस्ते दाम पर वाल्मीकि जंगल सफारी का ले मजा। यदि आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर्यटकों को जंगल सफारी का मजा दे सके, इसके लिए VTR प्रशासन फुल डे जंगल सफारी प्लान लेकर आया है। इस प्लान के तहत पर्यटकों को सफारी के रूट मंगुराहा से गोवर्धना वन क्षेत्र तक घुमाया जाएगा। इस दौरान पर्यटक कई जंगली जानवरों जैसे बाघ, तेंदुए, गौर, जंगली कुत्ते और भी कई जानवरों का दीदार खुले में कर सकेंगे। इस जंगल सफारी का मजा लेने के लिए आपको महज 4,500 रुपये ही देने होंगे। इससे पहले केवल 2 घंटे में ही मंगुराहा से गोवर्धना तक की यात्रा समाप्त हो जाती थी, लेकिन इस प्लान के तहत पर्यटकों को पूरे दिन घुमाया जाएगा और इस दौरान पर्यटकों को इस सफारी से संबंधित छोटी छोटी जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं गोवर्धना से रघिया तक के लिए आपको केवल 2,400 रुपये ही खर्च करने होंगे। बिहार का यह एयरपोर्ट क्या फिर से होगा शुरू। बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड में दूसरे विश्व युद्ध का गवाह बना 700 एकड़ में फैला सवैया हवाई अड्डा सालों से बंद है। सालों से इसे पुनः संचालित करने की बात भी सामने आ रही है। रक्षा मंत्रालय द्वारा तो केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत यहां सर्वे भी किया गया था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
एयरपोर्ट के फिर से शुरू होने की सुगबुगा हट बंद हो गई, लेकिन एक बार फिर से इस एयरपोर्ट को लेकर खबर सामने आई है कि एयरपोर्ट की जमीन के चारों तरफ से बाउंड्री जिला प्रशासन द्वारा करवाई जाएगी। फिर एयरलाइंस कंपनियों की बोली प्रक्रिया भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि एक बार फिर से यदि इस एयरपोर्ट का संचालन शुरू होता है तो आसपास के इलाकों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके आसपास के इलाकों में गोपालगंज, सिवान, छपरा समेत और भी कई जिले शामिल हैं। इन जगहों से काफी अधिक संख्या में लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं और विदेशी मुद्रा भी सबसे अधिक सिवान और गोपालगंज में ही आते हैं। यदि एयरपोर्ट शुरू होता है तो प्रदेश के राजस्व को फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। शादी के सीजन में आयकर विभाग को भी देनी हो सकती है गिफ्ट की जानकारी। शादी के सीजन शुरू है, हमारे देश में शादी को लेकर बड़े स्तर पर आयोजन देखने को मिलते हैं। लोग शादियों को लेकर काफी उत्साहित भी होते हैं। कई शादियों में तो कई महंगे तोहफे, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, जेवर और ना जाने कई कीमती सामान तोहफे में मिलते हैं। तो आपको बता दें कि शादी में मिलने वाले इन तोहफों पर भी सरकार आपसे टैक्स लेती है, लेकिन जो तोहफे दुल्हा और दुल्हन को मिल रहे वो तो टैक्स फ्री है, लेकिन जो तोहफे दुल्हा या दुल्हन के माता पिता या रिश्तेदारों को दिए जाते हैं उन पर आयकर विभाग आपसे टैक्स लेता है। शादियों में कई गिफ्ट और महंगे से महंगे गिफ्ट आपको मिल सकते हैं, लेकिन कई बार जरूरी है कि दूल्हा दुल्हन इन तोहफों की जानकारी भी आयकर विभाग को दे। साथ ही जो भी गिफ्ट देते हैं उन्हें भी गिफ्ट की जानकारी आयकर विभाग को देनी जरूरी है। भारतीय कानून के मुताबिक जो महिला शादीशुदा होती है वे 500 ग्राम तक का सोना बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी रख सकती है। यदि महिला की शादी नहीं हुई है तो उसे कानूनी रूप से 250 ग्राम सोना बिना किसी डॉक्यूमेंट के रखने का अधिकार है। हालांकि जब बात पुरुष की आती है तब केवल वे 100 ग्राम तक का ही सोना बिना किसी डॉक्यूमेंट के रख सकते हैं। बिहार में बन रहे देश के सबसे बड़े साइंस सिटी की जारी हुई लेटेस्ट तस्वीरें। दिवंगत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की याद में पटना के राजेंद्र नगर के प्रेमचंद गोलंबर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पास साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह साइंस सिटी देश का सबसे बड़ा साइंस सेंटर होगा जो करीब 21 एकड़ में फैला होगा। इस साइंस सिटी की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी द्वारा शेयर की गई है। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि विज्ञान की दुनिया में एक रोमांचक सैर के लिए तैयार हो जाइए। मोइनुल हक स्टेडियम के पास देश के महानतम वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्मृति में अत्याधुनिक साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है। यह साइंस सिटी विश्व के बेहतरीन केंद्रों में अपना स्थान बनाएगी। बिहार संस्कृत बोर्ड ने मध्यमा परीक्षा का जारी किया शेड्यूल, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। मध्यमा परीक्षा को लेकर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा शेड्यूल जारी किया जा चुका है। कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा को लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था तो उनकी परेशानियों को देखते हुए रजिस्ट्रेशन करवाने की तिथि बोर्ड द्वारा आगे कर दी गई है। अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। आपको बता दें कि कई परेशानियों के समाधान और सुचारू रूप से परीक्षाएं संचालित हो सके इसके लिए संस्कृत बोर्ड द्वारा नियंत्रण कक्ष भी मध्यमा परीक्षा को लेकर बनाए गए हैं। बता दें कि यह परीक्षा 28 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होगी। परीक्षा 2 पाली में होगी जिसमें पहली पाली की परीक्षा 9:45 से लेकर 1 बजे तक ली जाएगी तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक होगी। पहले दिन 28 फरवरी को संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य की परीक्षा ली जाने वाली है तो वहीं दूसरे दिन 29 फरवरी को संस्कृत सामान्य और हिंदी की परीक्षा होगी। तीसरे दिन यानी 1 मार्च को सामाजिक शिक्षा और अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित होगी तो उसके अगले दिन 2 मार्च को सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रदेश में शीतलहर की संभावना। राज्य के दक्षिण भाग के 1 या 2 स्थानों में भीषण शीतलहर चलने की संभावना है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आज का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री के करीब में रहने वाला है तो वहीं न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री और 4 से 6 डिग्री के बीच रहने वाला है। मौसम को लेकर कुछ खास परिवर्तन की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी यानी आज तक कोल्ड डे की स्थिति की संभावना जताई गई है। बिहार के पटना से जमुई जिले तक पक्षी प्रेमियों के लिए निकलेगी बाइक रैली। लोग पक्षियों को लेकर जागरूक हो सके इसके लिए पहली बार बिहार के जमुई जिले में 28 जनवरी से बाइक रैली निकाली जा रही है। यह बाइक रैली पटना से 28 जनवरी को शुरू होगी और जमुई 150 किलोमीटर तक का सफर करके पहुंचेगी। पटना से यह रैली संजय गांधी जैविक उद्यान से शुरू होगी। इस रैली का समापन देर शाम तक जमुई के झाझा स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में होगा। आपको बता दें कि दूसरे राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया जा रहा है। यह आयोजन फरवरी महीने में किया जाएगा जिसका नाम होगा नागा नकटी बर्ड फेस्टिवल 2024। इस रैली और आयोजनों का उद्देश्य है लोगों के बीच पक्षियों को लेकर जागरूक करना। यदि आप भी इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं तो 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप पटना के जू एजुकेशनल हॉल में करवा सकते हैं।
यदि इससे संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप 9122395205 पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड मामले में मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर फ्रॉड मामले में मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस द्वारा एक ऐसे साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से 58 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। इस शख्स पर आरोप है कि उसने लाखों की ठगी की है। यह शख्स गोपालगंज का रहने वाला है। इस अपराधी के बारे में पुलिस को जो सूचना मिली थी उसके मुताबिक एक साइबर ठग कुछ दिनों से अरेराज अनुमंडल में घूम घूम कर एटीएम के माध्यम से ठगी कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने प्लानिंग के तहत इस अपराधी को धर दबोचने का काम किया। इस मामले को लेकर मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा द्वारा बताया गया है कि गिरफ्तार युवक पिछले कुछ दिनों से सक्रिय था और ठगी करता है। इसकी जानकारी मिलते ही कार्रवाई की गई और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से कई बैंकों के 58 एटीएम कार्ड मिले हैं और फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। शिक्षा विभाग से बाहर हुए मंत्री चंद्रशेखर, अब इस मंत्री को मिला प्रभार। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को सीएम नीतीश द्वारा हटा दिया गया है। शिक्षा विभाग की यह जिम्मेदारी राजस्व है। शिक्षा विभाग की यह जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता को सौंपी गई है। वहीं शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर को अब गन्ना विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस आशय की अधिसूचना बीते ही दिनों रात 9 बजे के बाद मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के बाद जारी हुई। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव को अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सौंपा गया है। मिली जानकारी के अनुसार मंत्री चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाने की सहमति उस दिन बन गई थी जब लालू यादव और तेजस्वी यादव सीएम आवास पर नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आधार कार्ड को लेकर जान लीजिए जरूरी बात। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की सोच रहे होंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं या भविष्य में ऐसा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको मालूम होगा कि प्रॉपर्टी खरीदते समय जो टैक्स हम सरकार को देते हैं उसे टीडीएस के रूप में चुकाना होता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में परेशानी हो सकती है और यदि टैक्स जमा करवाना है तो पैन का आधार से लिंक होना बेहद ही जरूरी है। यदि आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो जहां प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 1% टीडीएस केंद्र सरकार को देने होते हैं उसकी जगह आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही आयकर विभाग तक जब खबर पहुंचेगी कि आपने बिना पैन कार्ड के प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप पर विभाग नोटिस भेज सकता है और कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए जल्द से जल्द अपने पैन और आधार को लिंक करवाएं। हालांकि इसकी समय सीमा तो खत्म हो चुकी है लेकिन 1000 रुपए का जुर्माना देकर आप इसे करवा सकते हैं। राजद के पूर्व विधायक के घर सीबीआई ने दी दस्तक। एक बार फिर से सीबीआई का शिकंजा राजद नेता पर कसा है। दरअसल भोजपुर जिले के संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव से सीबीआई की टीम पूछताछ करने पहुंची थी। हालांकि इस दौरान अरुण यादव अपने घर पर मौजूद नहीं थे तो सीबीआई ने नोटिस अरुण यादव की पत्नी किरण यादव के हाथों थमा दिया। बता दें कि मामला बालू की काली कमाई से को लेकर है जहां कई थानों में उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हैं। इससे पहले भी कई सालों पहले अरुण यादव की तलाश में पुलिस थी और इन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था, जहां एसटीएफ ने ही बिहट्टा और कोइलवर के बीच अरुण यादव को गिरफ्तार किया था। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान विधायकी के लिए इन्हें टिकट नहीं मिला था तो इन्होंने अपनी पत्नी को विधायक उम्मीदवार बनाया और उनकी पत्नी यह चुनाव जीत भी गई। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सीएम नीतीश को दी सलाह तो जदयू के मंत्री ने किया पलटवार। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सलाह दी थी जिसके बाद सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सुशील मोदी के बयान पर जदयू नेता अशोक चौधरी का पलटवार सामने आया है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अपराधी तो यहाँ है ही नहीं, कौन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है। सुशील मोदी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री खुद सक्षम है, कब किस राह पर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री से तो लोग सीखते हैं, उनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वही मंत्री संजय झा ने सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि आज तक नीतीश कुमार हमेशा से अपने फॉर्म में ही रहे हैं, उन्होंने लगातार काम किया है और उन्हें काम की बदौलत ही जनता पसंद करती है और वोट करती है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत कसोर ने अति पिछड़ा जातियों को लेकर किया ये ऐलान। बीते ही दिनों जनसुराज के संयोजक प्रशांत कसोर पटना में बापू सभागार में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में 75 अति पिछड़ा को चुनाव मैदान में उतारेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां अति पिछड़ा की हितैषी बनती है लेकिन क्या वह बिहार विधानसभा में 75 अति पिछड़ा लोगों को टिकट देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज के बच्चे शिक्षा से थोड़ी दूर हैं, इसलिए इस मंच के माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि हर साल सभी जिलों से बच्चों में कंपटीशन करवाकर 500 बच्चों को अपनी तरफ से उच्च शिक्षा दिलवाने का काम करेंगे।
जिसका खर्चा जनसुराज उठाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, राजद और जदयू पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लालू और उसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। सानिया और शोएब की तलाक के खबरों के बीच शोएब ने दूसरी शादी कर सबको चौंकाया। काफी समय से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बीच तलाक की खबरें सामने आ रही थी। अब इसी बीच शोएब ने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। शोएब ने यह दूसरी शादी पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से रच ली है। शोएब ने अपनी शादी से हर किसी को चौंका दिया है। हालांकि शादी की खबरों के बाद अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि शोएब और सानिया के बीच तलाक हुई है या नहीं। आपको बता दें कि शोएब की दूसरी पत्नी सना जावेद अब तक कई म्यूजिक वीडियोज में एक्टिंग कर चुकी हैं। इससे पहले दोनों के बीच किसी भी तरह के रिश्ते की बात सामने नहीं आई थी। सानिया मिर्जा ने भी अभी हाल में ही कुछ इमोशनल पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर किया था, जहां उन्होंने लिखा था कि जब कोई चीज आपके दिल की शांति को भंग करे तो आपको उसे जाने देना चाहिए। और साथ ही सानिया ने शोएब के साथ कई पोस्ट को अचानक से डिलीट भी कर दिया था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1958 में पहली कॉपीराइट अधिनियम लागू हुई थी। आज के दिन वर्ष 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 2007 में भारत ने वेस्ट इंडीज से वनडे क्रिकेट श्रृंखला जीती थी। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत ने इसराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया था। आज के दिन वर्ष 2009 में कर्नाटक के बीदर में वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान सूर्य किरण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आज के दिन वर्ष 1986 में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था, जो पेशे से एक भारतीय फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार थे। आज के दिन वर्ष 1961 में दर्शना जरदोश का जन्म हुआ था, ये पेशे से एक जानी मानी महिला राजनीतिज्ञ थी। आज के दिन वर्ष 1950 में बिली ओसन का जन्म हुआ था, जो पेशे से पश्चिमी भारतीय संगीतकार रहे। आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञ पंडित नरसिंगलू वाडवती का जन्म वर्ष 1942 में हुआ था। आज के दिन वर्ष 1919 में हरचरण सिंह बरार का जन्म हुआ था, ये पेशे से एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शानदार अवसर पर व्हाट्सएप लेकर आया है ये खास फीचर। कई लोग राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। अब इसी बीच लोगों के इस उत्साह को देखते हुए व्हाट्सएप भी एक शानदार फीचर लेकर सामने आया है। इस खास मौके पर व्हाट्सएप अपने यूजर को श्री राम से जुड़े खास स्टिकर को भेजने की सुविधा दे रहा है। इस खास धार्मिक समारोह के मौके पर यूजर्स एक दूसरे को ये खूबसूरत स्टिकर भेज सकते हैं। इन स्टिकरों में आप देखेंगे कि श्री राम धनुष के साथ हैं, तो किसी में वे माँ जानकी के साथ हैं, तो किसी में मंदिर की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। यदि आप भी किसी अपने को ये स्टिकर भेजना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप व्हाट्सएप में जाएं, उसके बाद किसी भी चैट बॉक्स को ओपन करें। चैट बॉक्स के नीचे आपको स्टिकर का आइकन दिखाई देगा। इसमें जाकर आप अपने मनपसंद स्टिकर को ढूंढकर अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। भारत का चंद्रयान 3 हुआ एक्टिव, नासा को चंद्रमा पर मिली सफलता। भारत के चंद्रयान 3 लैंडर को नासा के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पिंग कर लिया है। नासा की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक चंद्रमा की सतह पर पहली बार उसके लूनर रेकोनेसेंस ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर के बीच एक लेजर लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। एजेंसी द्वारा कहा गया है कि यह सफल प्रयोग चंद्रमा की सतह पर लक्ष्य का सटीक पता लगाने की नए रास्ते को खोलता है। 12 दिसंबर 2023 को 3 बजे EST नासा के LRO ने अपने लेजर अल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट को विक्रम की तरफ दिखाया था। जब LRO ने इसकी तरफ लेजर प्लस भेजा तब लैंडर LRO से 62 मील या 100 किलोमीटर दूर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में मंजनस क्रेटर के पास था। ऑर्बिटर द्वारा विक्रम में लगे एक छोटे नासा रेट्रो रिफ्लेक्टर से वापस लौटी लाइट को रजिस्टर करने के बाद नासा के वैज्ञानिकों को पता चला कि उनकी टेक्नोलॉजी काम कर गई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर क्या जारी किए हैं? ऑप्शन ए है मुद्रा, ऑप्शन बी है नोट, ऑप्शन सी है स्मारक, डाक टिकट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्मारक, डाक टिकट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र।
हाल ही में कहां में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है गुड़गांव, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र निम्न में से कहां केंद्रित है? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन डी है मध्यवर्ती मैदान में। इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में प्लाईवुड उद्योग निम्न में से कहां है? ऑप्शन ए है मोतिहारी, ऑप्शन बी है हाजीपुर, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है सिवान। इसका सही उत्तर है हाजीपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अहिंसा कुमार, गोनर शर्मा, अमित कुमार, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, निभा कुमारी, अतीक खान, नुन्नू गोलू कुमार, सियाला कामत, अंजुम खातून, सृष्टि सिंह, एमडी साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, हिमांशु, अनवर हुसैन, मिथिलेश कुमार, ओम प्रकाश कुमार, दिलीप कुमार सिंह, आरके राणा, रामनवमी मांझी, धर्मवीर यादव, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार के घूमे हुए पर्यटन स्थलों में किस पर्यटन स्थल पर आप दोबारा जाना पसंद करेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।